की तुलना इस कहानी के किसी भी पात्र के साथ खुद को करता है तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। नमस्कार, आप सभी को दीपावली और काली पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी जिस व्यक्ति को ले करो की हलो, इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। इसका किसी भी व्यक्ति, वस्तु या संस्था से कोई रॉकी इनका बेटा नहीं अदेवी और दूसरा रॉकी इनकी बीवी श्रीमती शीतला देवी और नमस्कार, आप सभी को दीपावली और काली पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी जिस व्यक्ति को आप स्टेज पर देख रहे हैं ये है श्री जेठमलानी साहब। ये जेठमलानी साहब एक कंपनी के बहुत बड़े मालिक और अफसर हैं। वैसे तो इनके ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं, पर चटर्जी और बैनर्जी इनके खासम खास हैं, जो एक्स्ट्रा इंसेंटिव और बोनस पाने के चक्कर में जेठमलानी साहब का कोई भी काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जेठमलानी साहब अपने ज़िंदगी में अपने काम के अलावा सिर्फ दो चीज़ों से प्यार करते हैं, एक इनकी बीवी श्रीमती शीतला देवी और दूसरा रॉकी। ये रॉकी इनका बेटा नहीं बल्कि इनका पालतू कुत्ता है, जिनको ये अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं। और अगर कोई रॉकी को कुत्ता कह के पुकार दे तो ये उन पे बुरी तरह चिढ़ जाते हैं। पर आज का दिन बहुत ही खराब है, क्योंकि सुबह से रॉकी का कुछ पता नहीं चल रहा है और वो गायब है। इस बात को लेकर श्रीमती शीतला देवी बहुत परेशान है और जेठमलानी साहब के ऑफिस की तरफ दौड़ी चली आ रही है। तो आइए देखते हैं आज का दिन इन सभी के जीवन के लिए कैसा रहता है और अंत तक रॉकी मिल पाता है या नहीं। गुड मॉर्निंग सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे आओ आओ चटर्जी। अरे क्या हाल है भाई, सब ठीक है? हाँ सर, सब सही से चल रहा है। आपने जो काम दिया था बराबर चल रहा है। गुड गुड, वेरी गुड, थैंक यू। अच्छा, वो मिठाई के जो डब्बे थे मेरे रिलेटिव्स के घर में पार्सल कर दिए थे क्या? हाँ सर, मिठाई के डब्बा तो मैं कल ही पार्सल कर दिया था। अच्छा। अभी तक तो शायद आपके रिलेटिव के घर पहुंच भी गया होगा सर। गुड गुड गुड। अच्छा नेक्स्ट, वो मेरे घर के लाइटिंग अरेंजमेंट्स का क्या हुआ? लाइटें लग गई दिवाली की? हाँ सर, आपके घर के छाद में और बैल्कनी में मैं लाइट्स ऑलरेडी लगवा दिया हूँ। आपके घर के सामने और गार्डन में लगाना बाकी है, आज रात तक वो भी हो जाएगा। मैं खुद खड़े होकर सुपरवाइज कर रहा हूँ सर। गुड 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 चटर्जी, बस ऐसे ही दिल लगाकर काम करते रहो तो बहुत आगे तक जाओगे और दिवाली का अच्छा बोनस भी मिलेगा। सबस थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओ सर, ओ सर, बस एक छोटा सा रिक्वेस्ट था। हाँ बोलो। सर अगर एक दिन का छुट्टी मिल जाता तो दिवाली का टाइम है, बीबी बच्चों को थोड़ा शॉपिंग करवा लाता। क्या फिर से छुट्टी? अरे दो दिन पहले ही तो तुम कोलकाता से घूम के आए थे, तब क्यों नहीं की शॉपिंग? देखो भाई, बार बार छुट्टी नहीं मिल सकता है, छुट्टी नहीं मिलेगा, ऑफिस का इतना काम पेंडिंग पड़ा है उसको कौन करेगा भाई, नहीं मिलेगा छुट्टी। सर प्लीज सर, दे दीजिए ना सर, एक ही दिन की तो बात है, प्लीज सर। अरे मैंने कहा ना, दिवाली तक किसी को कोई छुट्टी नहीं मिलेगी, जाओ जाके अपने काम में लगो, सुबह सुबह छुट्टी मांगने आ जाते हैं। नहीं मिला छुट्टी, शिट। अजी सुनते हैं, कहाँ है? अरे अरे रॉकी, अरे भगवान, अरे भाग्यवान तुम यहाँ? अरे बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है जी। अरे क्या हुआ बोलो भी। अरे अपना रॉकी कहीं नहीं मिल रहा। क्या रॉकी नहीं मिल रहा है? उसने आज पेट रोटी भी नहीं खाई। अरे अरे क्या कह रहे हो तुम? अरे अरे यार तुम रोना बंद करो, उठो। अरे उठो भाग्यवान, उसको बांध के क्यों नहीं रखा था? अरे बांध के ही रखा था जी, थोड़ा जंगल पानी के लिए बाहर छोड़ा था, पता नहीं कहाँ चला गया मेरा लाल।
अरे अरे ठीक है तुम रोना बंद करो, मैं कुछ करता हूँ, मेरी भी जिम्मेदारी है रॉकी, तुम रोना बंद करो पहले। सर हाँ सर आपका कुत्ता खो गया है सर। हाँ सुन के बड़ा दुख हुआ। देखिए आपका आदमी हमारे बच्चे को कुत्ता कह रहा है। खबरदार चाचा जी, जो रॉकी को फिर से कुत्ता का, वो हमारे बेटे की तरह है, सुबह ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। देख नहीं रो, मैडम रो रही है। अरे तुम रो मत जान, गलती से थोड़ा मिस्टेक हो गया। पर सर डीएसपी साहब आपका बहुत क्लोज फ्रेंड है ना। हाँ चौटाला जी, हाँ तो पुलिस हमारे यहाँ रॉकी को ढूंढने में कुछ तो मदद कर सकती है। अरे नहीं चाचा जी, अपना रॉकी बहुत शरीफ जानवर है, उसको पुलिस की हवा तक नहीं लगनी चाहिए। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। ठीक है सर, मैं भी सोचता हूँ। आप तो बस सोचते ही रहिए, इधर इस माँ का दिल पसीजा जा रहा है, पता नहीं कहाँ होगा मेरा लाल। अगर आपसे कुछ नहीं होता है तो कह दीजिए, मैं अपने मायके वालों को फोन कर दूंगी। अरे मायके वाले को क्यों बुला रहे हो यार, मैं हूँ ना। अरे सुनो भाग्यवान, मैं कैसे भी शाम तक रॉकी को लेके आऊंगा, तुम रोना बंद करो, तुम अभी घर जाओ। आज शाम तक अगर मेरा रॉकी नहीं मिला ना, तो मैं आज मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे भाग्यवान रुको, अरे हे भगवान, ये क्या हो गया यार, सुबह सुबह रॉकी खो गया, अब मैं क्या करूँ, किसकी मदद लूँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान। सर हाँ रॉकी आपके बच्चे जैसा था, इसी तरह से मैं उसका चाचा हुआ, मेरे भी कुछ जिम्मेदारी है, मेरे भी कुछ फर्ज बनता है, तो आप बोले तो सर मैं जाऊँ रॉकी को ढूंढने। अरे वो तो ठीक है, पर क्या तुम मेरे रॉकी को पहचानते हो? अरे क्या बात कर रहे हैं सर, इतने बार आपके घर गया हूँ, आपके घर के छोटे छोटे चूहे तक को मैं पहचानता हूँ। अच्छा, तो बोले सर मैं जाऊँ। हाँ तो एक काम करो। हाँ सर। तुम मेरी ये गाड़ी की चाबी लेके जाओ, वो गैराज में खड़ी है। ओके और सर। जल्द से जल्द जाके रॉकी का पता लगाओ। ओके। देखो रॉकी का मिलना बहुत जरूरी है, वरना मैं घर नहीं जा पाऊंगा। देख रहे हो ना मैडम कितना गुस्सा हो गई है। इस शहर का गली गली कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारो, कहीं भी रॉकी दिखे तो उसको जल्दी से लेके आओ। ओके सर। प्लीज जाओ तुम यार, जल्दी से जाओ यार। सर आशीर्वाद कीजिए, मैं। अरे जाओ मेरे लाल, तुम जल्दी से जाओ। ठीक है सर। पर सर सर ऑफिस का इतना सारा काम पेंडिंग है, उसका क्या होगा? अरे ऑफिस की चिंता तुम मत करो। अरे कोई ना कोई कर लेगा, बैनर्जी है ना वो आ रहा है, वो सिलेंडर छोड़ने मेरे घर गया हुआ है, वो आता होगा उससे मैं करवा लूंगा। ठीक है जाओ यार जल्दी से। ठीक है सर, जल्दी से अभी निकलता हूं। अबे चाटू चुप, कत चाटबि बॉस के, अरे सारा जीवन धरे बॉस के ठीसेर जा, छेटे जा। की बोलछो से सब, फक साला, जा जा नाले गाट्टा मारबो। अरे बैनर्जी तुम आ गए। क्या हुआ? हाँ क्या बताऊँ बनर्जी, अरे सुबह से रॉकी का कुछ पता नहीं चल रहा है, क्या करूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कोई भी फाइल उठाता हूँ तो ये रॉकी का हंसता हुआ चेहरा मेरे आंखों के सामने नजर आता है, मैं काम ही नहीं कर पा रहा हूँ यार, मैं पता नहीं क्या करूँ। अरे सर इतना कुछ हो गया और आपने मुझे बता ही नहीं। सर मेरा भी तो कोई ड्यूटी है सर, कोई आपका बच्चा रॉकी को खोजने। अरे वो तो ठीक है, पर क्या तुम मेरे रॉकी को पहचानते हो? अरे की बोलछेन सर, की बोलछेन, आपका बच्चा रॉकी ने मेरा वही हाथों में दो बार कामड़ाया है सर। सर दिखाओ दिखाओ, ये देखिए सर, तब से सर मैं हृदय लेके घूर रही हूँ रॉकी को। अच्छा अच्छा ठीक है, सुन के बड़ा दुख हुआ, लेकिन अभी मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे सर मैं चले जाऊं क्या आपका बच्चा रॉकी को खोजने? अरे नहीं नहीं तुम रहने दो, वो चटर्जी को भेजा है ना ऑफिस का गाड़ी देके, वो ढूंढ लेगा। अरे सर आप वो चटर्जी को कैसे विश्वास कर लिया सर? क्यों क्यों? वो चटर्जी पक्का ऑफिस का गाड़ी लेके और वो अपना बच्चा दे लेके दिवाली का और वो काली पूजा का शॉपिंग करके निकल गई होगी सर। अच्छा नहीं, चटर्जी ऐसा नहीं कर सकता, वो मेरा भरोसेमंद आदमी है, वो ऐसा नहीं कर सकता है। अरे सर वो चाटू है, एक नंबर का चाटू है सर। सर वो पक्का ऑफिसर गाड़ी लेके वो अपने बच्चा दे लेके ओ साला। ठीक है, काम करो, तुम ये चली गई होगी, एक काम करो,
तुम ये गाड़ी की चाबी लेके जाओ और तुम भी शहर का कोना कोना चप्पा चप्पा छान मारो। देखो शाम तक रॉकी का मिलना बहुत जरूरी है, मैं बहुत परेशानी में हूँ, ठीक है सर? हाँ सर। हाँ मैं ना सर एक पोत पोतानंद बाबा को जानता है सर। अच्छा पोत पोतानंद बाबा? पोत पोतानंद बाबा। अच्छा सर। हाँ वही पोत पोतानंद बाबा। हाँ हापिस हुआ लोगों को हाँ फोटो देखकर ही बता देता है सर वो कहाँ है सर। अच्छा सर हम लोगों का वही सिटी सेंटर है ना। सिटी सेंटर? हाँ हाँ सिटी सेंटर। हाँ 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 है उसके पास ही सकाल 10 बजे से दौड़ भाग खोल के बैठा रहता है सर। अच्छा एक काम करो, आप बोलता तो सर मैं जाऊ क्या ओ पोत पोतानंद बाबा के पास। एक काम करो तुम ये रॉकी का ये तस्वीर लेके उस बाबा के पास अभी चले जाओ और जल्द से जल्द रॉकी का पता लगाओ कि ये कहाँ है। देखो शाम तक मिलना है इसका बहुत जरूरी है, तुम जल्दी से जाओ यार इसको जाके ढूंढो अभी जल्दी जाओ। तो सर पोत पोतानंद बाबा के मैं ढूंढे जाऊंगा? हाँ हाँ जाओ 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 जल्दी से ढूंढ के लाओ उसको सर। सर 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 सर। हाँ हाँ तो सर सर हम लोगों का ऑफिस का काम क्या होगा सर? अरे काम की चिंता तुम मत करो, तुम जल्दी से जल्दी जाके रॉकी को ढूंढो, अभी तुम्हारा मेन फोकस सिर्फ रॉकी को ढूंढने में होना चाहिए। ओके सर जल्दी जाओ। निशान रॉकी। ओह चलो अच्छा है मेरे आदमी लोग चले गए और रॉकी को ढूंढ के ले आएंगे, एक बार मैडम को फोन कर देता हूँ। हाँ जान अरे मेरे आदमी चले गए हैं, इस शहर का गली गली कुत्ता कुत्ता छान मार रहे, तुम चिंता मत करो। अरे शाम तक कैसे भी रॉकी मिल जाएगा, तुम खाना वाना खाओ, कुछ पता चलते ही तुमको फोन करता हूँ, ठीक है? ओके चलो चलो। গরম রে বাবা আজকে, সুভা ছেলেকে ঢুঁড় রাও এ বেটার ছেলে কুত্তাটাকে, হ্যাঁ দেখাই পেলাম না কুত্তাটার। আরে শাম হয়ে গেল, সাহেবেরও আবার চাপ বাড়ছে। এটাই এ টাইপ বি টাইপ সি টাইপ হর জায়গা ঢুঁড়লে আয় কুত্তকে, আর দিখাই নেই। এই বেটার ছেলে কুকুরটা গেল তো গেল কোথায়? লাগতা হ্যাঁ ইস কুত্তে কে চক্কর মে ইস বার কা দিওয়ালি কা বোনাস গিয়া মেরে হাত সে। হায় 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 রে আমার পোড়া কপাল। Off, then your girl gave me just a little bit and I chopped, baby, so Chittu, आज हम दिवाली का शॉपिंग करेंगे और खूब मस्ती करेंगे। पिछला साल थोड़ा कमी रह गया था ड्यू टू कोविड, है ना? चिंटू 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 अरे क्या डिपचिक डिपचिक कर रहे हो? हेलो मार्केटिंग करने हैं, डिपचिक डिपचिक नहीं। अरे अरे क्या कर रहे हो? रास्ते में चिटपिटिया फोड़ो, मार देंगे अभी हम, मार देंगे अभी हम। चलो बिखर में फोड़ लेना चिटपिटिया, अपना नया कुत्ता डर जाएगा। पापा पापा प्लीज पापा, वो जो मार्केट में नया वाला रॉकेट आया ना, 30-25 एक साथ रहता है, ऊपर जाके दुम करके फूट जाता है। और वो नया वाला अनार भी आया है बड़ा वाला, बहुत टाइम तक चलता है। ये दोनों खरीदो ना पापा प्लीज पापा, मेरे सारे दोस्तों ने खरीद लिया पापा प्लीज पापा खरीदो ना। अरे नहीं बेटा, जो खरीद दिया है उसी को फोड़ो ना, मार देंगे अभी। वैसे भी इस दिवाली हम सिर्फ दिए जलाएंगे, मार देंगे अभी। नॉइस पोल्यूशन एयर पोल्यूशन अच्छा नहीं होता है बेटा, खासकर इन जानवरों के लिए, मारेंगे अभी, समझो का सा। पापा पापा प्लीज पापा, तब वो जो नया वाला मोबाइल लॉन्च हुआ है ना वो तो खरीदो, रिलायंस जी के पास ही है, देखो लिखा है दिवाली ऑफर 15% ऑफ। प्लीज बाबा चलो ना बाबा, प्लीज खरीद दो ना बाबा दिवाली के ऑफर में प्लीज। देखो बेटा तुम्हारा जिद दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, मार खाओगे तुम, टीचर से शिकायत करना पड़ेगा लग रहा। टीचर से कर दूंगा शिकायत में, पढ़ाई लिखाई सही से कर नहीं रहो, मार मारेंगे अभी। प्लीज बाबा प्लीज बाबा, मैं अच्छे से पढ़ाई कर लूंगा बाबा, प्लीज बाबा बाबा खरीद दो ना नया वाला मोबाइल बाबा प्लीज। अरे नहीं बेटा, अपने पास इतने सारे पैसे नहीं है, और जो पैसे हैं उससे मैं कुत्ता खरीद लाया हूँ। तुम्हें पता है ये कितना कुत्ता महंगा है? पता नहीं है ना, उसको खिलाना पड़ता है घुमाना पड़ता है, तुमको क्या पता चलेगा। चलो चलो जो मम्मी लिस्ट दी है ना उसको निकालो, निकालो उसको लिस्ट। मम्मी ने तो मोबाइल में भेज दिया है। कुत्ते की शक्ल मेरे सारे, बाप रे बाप, दो दो लिस्ट बहुत मिलते जुलती है।
ब्रीड भी सेम लगता है पर रंग थोड़ा सफेद है। वो कोई नहीं, ऊपर से काला रंग कर देंगे, सांप को कैसे पता चलेगा? भाई साहब, ओ भाई साहब, रुकिए भाई साहब, एक मिनट रुकिए यहाँ पे। भाई साहब, मुझे क्या आपका एक कुत्ता मिल सकता है? अरे कौन है भाई आप, कैसी बातें कर रहे हैं? इसे मैं कल ही खरीद करके लाया हूँ, ये मैं प्यारा सा कुत्ता है, मैं इसे बेच नहीं सकता भाई साहब, मेरी बीबी बच्चे दोनों को पसंद है, मैं बेच नहीं सकता। अरे देखिए भाई साहब, मेरे सांप का कुत्ता खो गया है, सांप को जाके कुत्ता दूंगा तो सांप बहुत खुश हो जाएगा, मेरा दिवाली का बोनस का भी सवाल है, अब प्लीज दे दीजिए ना ये कुत्ता मुझे। भाई साहब एक बार बताया ना, ये कुत्ता बिकाऊ नहीं है। देखिए भाई साहब, इस कुत्ते के लिए मैं 3 गुना पैसे देने के लिए तैयार हूँ, अब दे दीजिए ना अब ये कुत्ता मुझे। पापा पापा, ये अंकल बोल रहे 3 गुना पैसा देंगे, ले लो, अच्छा ऑफर है, मोबाइल भी आ जाएगा, प्लीज पापा ले लो ना। चिंटू तू चुप कर, क्या जमाना आ गया है, पहले के लोग खेतों में, रियल एस्टेट में, गोल्ड में, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते थे, और आजकल कुत्तों पे इन्वेस्टमेंट? नहीं भाई नहीं, 3 गुना तो नहीं, अगर 5 गुना दोगे तो मैं कुछ सोच सकता हूँ हैंडओवर करने के लिए। 5 गुना? ओ भाई साहब, ले लो भाई, तुम भी मेरी मजबूरी की फायदा ले लो, कहा गया पैसा, देखो गिन लो, 1 गुना 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना। हाँ, सही है, सही सही। लो, अगर दिवाली का बोनस का सवाल नहीं होता ना, एक फुटी कौड़ी तक नहीं दिया। हो गया, अब एक कुत्ता मेरा हुआ, दो जल्दी दो, दो 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 जल्दी दो। टॉमी बाय कर दो बाबू, बाय टॉमी, बाय टॉमी, बाय, आपसे मिलने आएंगे हम। हाँ बिल्कुल, चलो हाँ, बाय बाय बाय। अच्छा कुत्ता है, पर ये कुत्ता काटता बटता तो नहीं है ना? भाई साहब पहले इसे कटवाया नहीं है, कल ही तो खरीद करके लाए हैं, अगर ज्यादा इच्छा है तो कटवा के देख लीजिए, पता चल जाएगा काटता है कि नोचता है। अरे नहीं नहीं भाई साहब, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू, आप सांप को जाके रॉकी दे दूंगा, सांप बहुत खुश हो जाएगा, दिवाली का बोनस तो मुझे पक्का मिलेगा, यस यस यस। वो शाला बैनर्जी, उसको कुछ नहीं मिलेगा। अरे रॉकी मिला, बोनस मिला, रॉकी मिला, बोनस मिला। पापा पापा, अब तो आपके पास फिर से पैसा हो गया है, अब तो नया मोबाइल खरीद दो, देखो ना उसका स्क्रीन फट गया है, साइड से वॉल्यूम ठीक से बढ़ता कमता नहीं है, प्लीज पापा खरीदो ना पापा, प्लीज पापा प्लीज। आजकल के बच्चे भी ना पैसे देखे नहीं कि जियो मार्ट चलिए, रिलायंस मार्ट चलिए, ये ले दीजिए, वो ले दीजिए, मोबाइल ले दीजिए, हवाई जहाज खरीदे, उड़ाएंगे क्या आप, मार देंगे तुमको अभी, अरे मार देंगे, कूट देंगे, कूट देंगे, हट चलो, हट चलो, चलो। ठीक है बस, हम आ गए, पहुंच पता तो बाबा, अभी कोई टेंशन नहीं है, टेंशन लेने का नहीं, देने का है। पोतपोतानंद बाबा की जय हो, जय हो, पोतपोतानंद बाबा की जय हो, जय हो, जय हो। बाबा कभी ना जाए खाली, लोगों का तस्वीर देख के ही बता दे कहाँ है खोया हुआ प्राणी। पोतपोतानंद बाबा की जय हो, पोतपोतानंद बाबा की जय हो, पोतपोतानंद बाबा की जय हो, जय हो, जय हो। মনে হচ্ছে এই মালটাই পথ পতানন্দ বাবা, এত সব চেলা চামুন্ডা নিয়ে বসে আছে, মনে হচ্ছে এই মালটা একটা ঢপবাজ মাল। তো যাই, এই পথ পতানন্দ বাবাকে পাশ যাই, দেখি কোনো উপায় দিতে পারে কিনা বাবা। बाबा ये मेरा हेल्प कीजिए बाबा, मेरा हेल्प कीजिए बाबा, मैं बहुत मुश्किल में है बाबा, बहुत मुश्किल में है बाबा। अरे उठ बालक, उठ, क्या कष्ट है तेरा, क्या कष्ट है तेरा, इस बाबा के पास सब चीज का इलाज है। नौकरी हो या किसी छोकरी की तलाश, पैसा हो या कोई इलेक्शन में सीट, इस बाबा के पास सब चीज का जुगाड़ है।
बाबा बाबा আমার কিছু চাই না বাবা নকরি ভি নেই মাগতা ছকরি ভি নেই মাগতা বাস বাবা বাবা ইস ফটো কে দেখকার বাবা আপ বল দিজিয়ে বাবা ইয়ে সালা কুত্তার বাচ্চা কিধার হে বাবা বল দিজিয়ে বাবা বাবা ये मेरा साहेब का कुत्ता है बाबा साहेब का कुत्ता क्या हुआ बाबा क्या हुआ बाबा बाबा अगर आप इस साले कुत्तर बच्चा को खोज दीजिए ना बाबा तो मैं आपका चौड़न धुए धुए पीऊंगा बाबा धुए धुए पीऊंगा बाबा बाबा आप आपका चरण कितना दिन से धोई नहीं बाबा कितना दिन से धोई नहीं बाबा क्या बोल रहा है कितना दिन से धोई नहीं बाबा अरे क्या बोल रहा है मूर्ख क्या बोल रहा है ये सब बाबा आप आपके चौड़ कितना देर से धोई नहीं बाबा बाबा आप अगर इस साले कुत्तर बच्चा को ढूंढ दीजिए बाबा तो मैं आपका चौड़ धुए धुए पीऊंगा बाबा धुए धुए पीऊंगा दक्षिण दक्षिण ठीक है मेरे हिसाब से ये कुत्ता सीधा दक्षिण की दिशा में गया है क्या बाबा सीधा दक्षिण की दिशा में बाबा क्यों बाबा लोग आजकल मांस खाके क्या दक्षिण की दिशा में हार छोड़ के फैलता है क्या बाबा क्या बोल रहा है मुख ऐसा ही हुआ है इस कुत्ते की मौत इसको दक्षिण की दिशा में मौत 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 बाबा मौत बाबा अब मैं कैसे मेरा बॉस को मुख दिखाऊंगी बाबा कैसे मुख दिखाऊंगी बाबा कपड़ा कपड़ा आप मौत बोलिए बाबा ऐसा मौत बोलिए ऐसा ही हुआ है बालक मेरे हिसाब से इस कुत्ता लिंक रोड में किसी टैंकर के नीचे में आके मर गया है जाके उसका लाश ढूंढ लाश क्या लाश मैं कैसे मेरा बॉस को मुख दिखाऊंगी बाबा कैसे मुख दिखाऊंगी बाबा ठीक है बाबा कुछ तो कीजिए बाबा कुछ तो कीजिए कपड़ा ठीक है बालक मैं बोल दिया जो बोलना था अभी मेरा दक्षिणा डाल और खुशी खुशी लौट जा बाबा आइडिया अच्छा लगा बाबा एकदम थैंक यू बाबा बहुत अच्छा बाबा बहुत बहुत धन्यवाद बाबा इतना अच्छा आइडिया देने के लिए जो दियो आइडिया पैसा दे ये लीजिए बाबा ये पैसा दे ये लीजिए आपका दक्षिण दिक्का दक्षिणा ओ उलूसू ठीक है बालक भगवान तेरा मंगल कर अल्टीमेटली उपाय अपना पिलाम अल्टीमेटली एक्टा उपाय पिलाम एक्टा बड़ा कुत्ता जोगाड़ करी और उनके कापड़ में जोड़ा के साला बॉस के जाके देखा दी ए बोले दी साला ओई चाक के नीचे आके मर गया होगा साला आमार दिवाली का बोनस पक्का
अरे शाम हो गया, ये चटर्जी और बैनर्जी का कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ना फोन उठा रहे ना मैसेज का रिप्लाई दे रहे, पता नहीं ये दोनों अभी कहाँ है। अरे पूरा शाम हो गया, ऑफिस बंद होने का टाइम हो गया, अरे कहाँ मर गए ये दोनों मनु, पता नहीं चल रहा है यार। बोनस मिलेगा, बोनस मिलेगा, बोनस मिलेगा, बोनस मिलेगा, बोनस मिलेगा। अरे तुम आ गए? अरे मिला कि नहीं रॉकी? सर मैं आ गया सर। अरे तुम आ तो गए पर तुमको क्या सांप सूंघ गया क्या? तुमको पूछ रहा हूँ ना रॉकी मिला कि नहीं। अरे बोलो यार रॉकी मिला कि नहीं सर? हाँ रॉकी तो मिला, हाँ किंतु दुनिया से हुस हो गया। क्या हुस हो गया? कैसे सर? ओई सुनसान NH-41 एर रास्ता किसी द्रुत गति ट्रक के नीचे आके रॉकी का मौत हो गया। क्या मुक्ता पूरा थेतो हो गया सर? अरे ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा रॉकी नहीं रहा, मेरा रॉकी नहीं रहा, ये क्या है? ये आपका आपका बच्चा रॉकी। अरे ये क्या हो गया, ये पुटली में लेके आए हो क्या मेरे रॉकी को? अरे ये क्या हो गया, मेरा रॉकी ऐसे कुत्ते की मौत मरेगा ये मुझे नहीं पता था। अरे ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे लेकिन इसको पैकेट में लाए क्यों, उसका मुंह ढका क्यों है? अरे इसका सर सर हाँ मौत खोलिए सर, मौत खोलिए। अरे क्यों क्या हो गया सर? इसका मुंह इतनी बिगड़ गई है सर, सर आप ये पहचान ही नहीं पाएंगे सर, ये आपका रॉकी है ये किया दूसरे कोई हॉकी है। भगवान ये क्या बोल रहे हो तुम? मेरा रॉकी तो मेरा एकमात्र बेटा था, वो चला गया, मैं दुनिया को क्या मुंह दिखाऊंगा, मेरी बीवी से क्या कहूंगा? अरे इसका ऐसा मौत होगा ये सोचा नहीं था। चलो अच्छा है तुम इसकी लाश तो लेके आए, वरना लोग कहते इतना बड़ा अफसर है और अपने बेटे का लाश तक जुगाड़ नहीं कर पाया। अरे थैंक यू बनर्जी जो तुम इसका लाश लेके आए। अरे उसकी तैयारी करो, वो अंतिम संस्कार की तैयारी करो, हम ढोल नगाड़े बजा के इसका विदाई देंगे। ओके सर, ओके सर, ओके। क्या हो गया बनर्जी, मेरा रॉकी चला गया, मैं क्या करूँ अब इसका? सर मैं चटर्जी सर, मैं आ गया। क्या कर आप ये क्या करने जा रहे हैं सर? क्यों आपका रॉकी तो मेरे पास है यहाँ। क्या वो भी जिंदा? रॉकी जिंदा है, देखे दू मिला रहा है। अरे रॉकी मेरा जिंदा है। हाँ सर हाँ। ओ सर बैनर्जी आपको झूठ बोल रहा है, उसका आदत ही ऐसा है, बहुत झूठ बोलता है सर। क्या रहा? कौन सा है सर? हाँ? ओ चाटू, एक नंबर का चाटू है सर, वो एक नंबर ढोबत सर। देखिए इसका रॉकी कलर छोड़ रहा है सर। हाँ, हाँ, कलर छोड़ रहा है। अरे नहीं सर, वो थोड़ा मैला जम गया है, मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है। पर यही आपका असली रॉकी है सर? अच्छा, यही हाँ, असली सर, है। हो नहीं सकता सर, देखिए ये आपका असली रॉकी है सर, ये आपका असली रॉकी है। अरे क्या कर रहे हो? देखिए सर, अरे क्या कर रहे हो? यही रॉकी है। अरे क्या कर रहे हो? ये आपका असली रॉकी है। अरे छोड़ो यार, सर पागल कर दोगे। सर ये बोलता है ये असली रॉकी, बोलता है वो असली रॉकी है। समझ में नहीं आ रहा है कि इसका अंतिम विदाई करूं कि इसको गोद में लेके प्यार करूं। साला कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, पूरा पागल कर दोगे तुम दोनों यार मेरे को। अजी सुनते हैं हा? ये देखिए अपना रॉकी बेटा मिल गया। क्या रॉकी मिल गया? हाँ। अरे कहां था भाग्यवान, कहां था? अरे वो अपने नेबर है ना भाटिया जी। हाँ भाटिया जी, उन्हीं के घर में एक नई ब्रीड की लिली आई है। अच्छा लिली, उसी के घर में था बदमाश, बहुत शैतान हो गया है, बड़ा बदमाश हो गया है बहुत ज्यादा। अरे क्या नाम का? रॉकी और लिली, वाह क्या जोड़ी है, रॉकी को अपनी दुल्हनिया भी मिल गई। हाँ। अरे वाह 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 मेरे लल्ले, तू कहाँ था रे, मैं तेरे को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा यार, तू कहाँ था? बात बोलनी है। हाँ बोलो ना। बोल रही हूँ इस बार दिवाली की पार्टी हम अपने घर पे करें। अरे बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा जी, और लिली को भी बुलाएंगे। क्या कहते हो? बहुत अच्छा आइडिया है यार, सबको बुलाएंगे, खूब मिठाई खाएंगे, खूब पार्टी करेंगे और जम के नाचेंगे। और सर हमारा बोनस? बोनस बोनस साले निकम्मो, दो नंबर के आदमी कमीनो, पता नहीं किस किस को उठा के लाके रॉकी से कंपेयर किया, तुम लोग को बोनस चाहिए? शर्म नहीं आता? शर्म देखो अपनी, मुंह देखो अपना, किस हालत में खड़े हो तुम लोग। तुम लोग का बोनस तो मैं कैंसिल करता हूँ और एक दिन की सैलरी भी काटता हूँ, और वो जो मेरा पेट्रोल लेके पूरा घूमे हो ना उसका भी पूरा पैसा भरना। शर्म नहीं आता तुम लोग को बोनस मांगते हुए? जाओ जाके साले काम में लगाओ, बोनस चाहिए इन लोग को बोनस चाहिए। अरे शांत हो जाइए, चलिए बहुत सारे अरेंजमेंट्स करने हैं। चलिए चलिए लीजिए आपके बेटे को। अरे मेरा लल्ला, चल तू मिल गया, यही बहुत अच्छी बात है। ए, तुम लोग ऑफिस का काम करके वापस आना, मैं तंगड़ी तोड़ दूंगा तुम लोग का, जा जा काम करो। अरे मेरे लल्ले, हाय हाय की होलो সব শালা তোর দোষ বেনার্জি, দেখলি তো কি হলো, আরো তোর মাথায় করে সিলিন্ডার আর নাস্তে নাস্তে দিয়ে আসছে ঘরে। আবে শালা তুই কি ঘুম যাস রে বাবা, শালা
তুই ওই সাহেবের ঘরে গিয়ে দিওয়ালির ওই লাইট লাগা আর সাহেবের আপন জনকে ওই সালা ওই সালা মিষ্টি পার্সেল করবি যা বাবা এত করেও সাহেবের ওই সালা দিওয়ালির বোনাস পেলি তো ওই বেটা তুই কোন সা পেলি বে বোনাস পেয়ে গেলি তো পুরো বাবাজি কা ঠুল্লু প্রচুর কান্না পাচ্ছে রে ভাই প্রচন্ড খারাপ লাগছে প্রচন্ড খারাপ লাগছে ভাই আয় ভাই এত করেও সালা কুত্তাটাকে তো পেলামই না আর সালা এদিক থেকে দিয়ালির বোনাসটাও পুরো মারা গেল সালা ঠিকই বলছিস ভাই আমারও খুব কষ্ট হচ্ছে দেখ এই বেটার ছেলে কুকুরটা এর জন্য কত খরচা করলাম লাস্ট অব্দি না কি পেলাম কাঁচকলা দেখ সালা ওই সাহেবের জন্য করলেও বিপদ না করলেও বিপদ আজ থেকে আমরা কোনো সাহেবের কথায় উঠে পড়ে নাচবো না ঠিকই বলেছিস ভাই তাই দেখলাম বেশি নাচানাচি করলেই বারে বারে গর্তে পড়তে হয় দেখ এইবার থেকে আমরা কি শিখলাম বল উফ আজ থেকে আমরা নিজে নিজের কাজ নিয়েই থাকবো আর নিজেকে আরো ভালো করে তুলবো এটাই হবে আমাদের শিক্ষা আর এটাই হবে আমাদের এবারের দিওয়ালি কা বোনাস অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই নাটকটা এতক্ষণ ধরে সহ্য করার জন্য আশা করি আপনাদের সবাইকে ভালো লেগেছে পরিচয় করিয়ে দিই সবসে পহলে প্রিন্স কুমার যো তিলক লালকে অ্যাক্টিং মে থে যো পাপা বনে থে চিন্টুকে আর ইয়ে হ্যাঁ চিন্টু যো বহুত বদমাশ হ্যায় আর দিওয়ালি কি শপিং করনে কে লিয়ে পাপা কো তঙ্গ কর রহা থা শ্রেয়ম নন্দী আচ্ছা নেক্সট হ্যায় দেবজ্যোতি মুখার্জি যো থোড়া আউট অফ মাইন্ড ভি থা আউট অফ অফিস ভি থা আর ইয়ে ব্যানার্জি কে রোল মে থা নেক্সট থা দিতব্রত চক্রবর্তী এ বহু চ্যাটার্জি কে রোল মে থা মা দেবাশিষ মিত্রা জেঠমালানি সাহেব কে রোল মে থা আর ইয়ে হ্যায় আমারে স্পেশাল গেস্ট অপিয়ারেন্স সুব্রজ্যোতি ব্রহ্মা যো বাবা পতপতানন্দ কা অ্যাক্টিং মে পার্টিসিপেট কিয়ে থে আর ইয়ে হ্যায় আমারি ধর্মপত্নী অমৃতা মিত্রা যো শীতলা দেবী কে রোল মে পার্টিসিপেট কি থি বহুত বহুত ধন্যবাদ আপ সবী কা আমারা এই নাটক ইতনা দের সে দেখনে কে লিয়ে अगर कोई भी गलती या चूक हुई उसके लिए माफी चाहता हूँ एंड थैंक्स टू कमेटी स्पेशली राजू श्रीधर जो हमको इतना अच्छा मौका दिया फिर से परफॉर्म करने के लिए थैंक यू ऑल द बेस्ट